कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू। नई यात्रा में दिखेगा पूरा इंडिया। कब होगी शुरू, क्या है प्लान? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब कांग्रेस इसके पार्ट टू की तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि मिशन 2024 के तहत ही इस यात्रा का पार्ट टू जल्द शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्षी मोर्चा इंडिया के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी जल्द अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू शुरू करने वाले हैं। बस तीन तारीखों में से किसी एक तारीख पर मोहर लगनी बाकी है। यात्रा में इस बार यूपी को खास तवज्जो दिए जाने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। खासकर वेस्ट यूपी पर ज्यादा फोकस रखने की रणनीति यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह की तरफ से बनाई गई है, ताकि इस बेल्ट में यूपी की 24 से ज्यादा लोकसभा सीटों को साधा जा सके। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू के संयोजक दिग्विजय सिंह हैं। यात्रा के आगाज के लिए 15 अगस्त, 12 सितंबर और 2 अक्टूबर, इन तीन तारीखों पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट टू निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से होगी। समापन नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। माना जा रहा है कि ये सब राहुल गांधी के निर्देश पर ही प्रस्तावित किया गया है। दरअसल बीजेपी बनाम विपक्ष की 2024 में लड़ाई को देखते हुए बदली राजनीति के तहत एकजुटता का संदेश देने के लिए ही राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी साथ दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बदरुद्दीन कुरैशी के मुताबिक यात्रा का रूट और तारीख जल्द फाइनल हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू का स्वरूप पिछली बार से बदला हुआ दिखेगा। पैदल यात्रा से ज्यादा फोकस इस बार अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलने पर रहेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कई अभियान चला रही है, जैसे जाति जनगणना, संविधान बचाओ। इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग अलग जिलों में पहले से ही कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में राहुल प्रियंका इन लोगों से मिलेंगे। इसका सीधा फायदा होगा कि पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू का रूट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्लान किया जा रहा है। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। जनता को एकजुटता का एहसास दिलाने के लिए राहुल के साथ विपक्ष के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी की पहली यात्रा के बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत दर्ज की थी। इसलिए उत्साह से लवरेज राहुल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर जोर दे रहे हैं, और अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू की शुरुआत भी इसीलिए होने जा रही है, और इसमें पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया दिखाई भी देगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।